कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। अरे किस किस से शादी करूं यार, कभी ये कभी वो कभी तुम, सारी लड़कियां मेरे दौर के पीछे। औरों को छोड़ो, मेरा बताओ मुझसे शादी करोगे या नहीं? अरे जान तुमसे शादी तो जरूर करूंगा। जब तक हमारे बीच रहेगी हम मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसको तलाक दे दो। तलाक? अरे वो मरना पसंद करेगी लेकिन मुझे तलाक नहीं देगी। तो तलाक नहीं देगी तो उसका मर्डर करवा दो, ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी।
पंजादी जुमा लड़ाती है प्रताप से। अरे जितना जहर एक नाग में नहीं होता है ना, उतना जहर मेरे जिस्म में है। साली दस लिया ना, यही दम तोड़ दूंगी। तू मार क्यों नहीं देता मुझे? रोज रोज मरने के लिए क्यों मजबूर करता है? हराम चाहती कुतिया, मारूंगा तो जरूर, लेकिन तब जब तुम मेरे दोस्तों की रातें रंगीन कर देना। वाह रे प्रताप वाह, क्या मर्दानगी है तेरी, अपनी पत्नी को दोस्तों के आगे परोसता है और मर्द बनता है। कहां गई तेरी मर्दानगी? जवानी तो अभी भी बरकरार है, लेकिन मेरे दोस्तों का कहना है कि कंचन जैसी लड़की आज तक नहीं देखा। काश मुझे तेरी असलियत पहले मालूम होती, जब तूने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा था और कार एक्सीडेंट में मेरे पिताजी को मार डाला था और धोखे से सारी जायदाद मेरी हड़प ली और मेरे छोड़ा सिर्फ एक रेस्टोरेंट। जी तो चाहता है कि तेरा खून भी जाऊं। अरे तू तो जानती है ना कि धोखे से मैंने तेरा सारा जायदाद अपने नाम करवा दिया और तो और तेरे बाप को भी मरवा दिया है। तू कुछ नहीं कर सकी और कभी भी कुछ नहीं कर सकेगी। काश प्रताप तू एक औरत की मजबूरी समझ सकता। मैं तेरी पत्नी हूँ और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। तो डार्लिंग जानू तो ऐसा करना कि मेरे दोस्तों की रात रंगीन कर दे और तू भी आस कर। और हाँ मैं भी जा रहा हूं, मुझे बहुत काम है, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। अंकल मैं कंचन बोल रही हूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। प्रताप तूने मुझे बहुत खून के आंसू रुलाए हैं, लेकिन अब नहीं, अब खून के आंसू तू रोएगा। तू ऐसा घाव है जो अब नासूर बन चुका है, नासूर।
हाँ आनंद, आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। हाँ, मैं तो ये भी जानती हूँ तुम्हारी बीवी इस वक्त कैंसर से पीड़ित है, और ये भी जानती हूँ कि तुम दाने दाने को भी मोहताज हो। आनंद, मैं तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दे सकती हूँ, और तुम्हारी बाकी मुश्किलों के लिए भी 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। इस मेहरबानी के लिए मुझे करना क्या होगा मैडम? सिर्फ एक औरत का कत्ल। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? वही जो तुम सुन रहे हो। मैडम, ये काम तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से करा सकती हैं, मुझसे क्यों करवाना चाह रही हैं आप? नहीं आनंद, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और पैसों की जरूरत तो सिर्फ तुम्हें ही है। नहीं मैडम, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं पैसों के लिए किसी औरत का कत्ल नहीं कर सकता हूँ। एक सोती हुई औरत का कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं। लगता है मैडम आपने गलत नंबर डायल कर दिया। मैं कोई पेशेवर कातिल नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। उसी मामूली इंसान को आज अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, जो सिर्फ मैं दे सकती हूँ। चाहे मेरी बीवी की जान ही क्यों नहीं चली जाए, मुझसे ये काम नहीं होगा मैडम। तो फिर ठीक है आनंद, तुम अपने उसूलों और आदर्शों की रोटी बनाकर खुद भी खाओ और अपनी बीवी को भी खिलाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारी बीवी मर जाएगी ना, उस दिन मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगी। ठीक है मैडम, ये काम मुझे कब करना होगा? 2 दिन बाद रात के 11 बजे वो औरत घर में अकेली सो रही होगी, और मेन दरवाजा भी तुम्हें बिल्कुल खुला मिलेगा। ये कत्ल मैं करूंगा कैसे मैडम? साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से, जो कि तुम्हें मैं दूंगी। क्या बात है मैडम, आप मुझे जानती भी नहीं, और मैं आपके लिए कत्ल कर दूंगा। आपका रास्ता साफ, और आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। गुड, तुम वाकई समझदार हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं। इसका सबूत है गाड़ी में पड़े हुए रुपए, जो मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। अगर मैं रुपए लेके कत्ल ना करूं और कहीं भाग जाऊं, तो आप मुझे कहां खोजेंगे? मैं तुम्हें कहीं नहीं भूलूंगी। मैं ये सोचूंगी कि मैंने गलत आदमी को चुन लिया।
ताबे साहब, अभी हम लोग यहाँ आए एक घंटा हो चुका है, क्राइम ब्रांच से कोई आया नहीं है। अनोखे लाल, एसीपी शर्मा आते ही होंगे, मुझे खबर मिली है, उनके आते ही केस यूं सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर, इंस्पेक्टर तावड़े, यस सर, इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने पॉइंट ब्लैक सूट किया है, और जब इसकी कत्ल हुई है तो ऐसा लगता है कि ये औरत बहुत गहरी नींद में थी। वाह सर, क्या तीखी नजरें पाई हैं आपने, आपने तो एक मिनट में सब कुछ पकड़ लिया। और तावड़े, लगता है कातिल कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में था, क्योंकि मर्डर करने के बाद वो अपना मर्डर वेपन यहीं छोड़ गया है। तावड़े, सबसे पहले तुम यहां का फिंगरप्रिंट उठाने का इंतजाम करो। सर, मैं इस रिवॉल्वर को भी फॉरेंसिक भिजवा दूं? बिल्कुल, और उस फॉरेंसिक वाले को इतना जरूर बता देना कि इसकी रिपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर चाहिए, वो भी आज। कम विथ मी। हाँ, ये क्या हुआ? मैम साहब, मैम साहब, क्या हो गया मैम साहब को? कौन हो तुम? सर, मैं इमरती हूँ, मैं मैम साहब के यहाँ काम करती हूँ, मैं इनके दोस्त भी हूँ सर। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, एसीपी शर्मा। सर, बाहर सब बता रहे थे कि पुलिस आई है, तो मैं सुन के दौड़ती दौड़ती आ गई हूँ सर। जब ये खून हुआ तब तुम कहाँ थी? सर, मैं घर में नहीं थी सर। मैम साहब नहीं मर सकती, जरूर जरूर ये कत्ल उस प्रताप ने किया है। कौन प्रताप? सर, मेरा नाम तो नहीं आएगा, अगर उसे पता चलेगा वो मुझे जान से मार डालेगा। और इमरती, तुम पुलिस की हिफाजत में हो, और तुम जो भी जानती हो तुम सच सच मुझे बताओ। सर, प्रताप मेम साहब का हस्बैंड है, मेम साहब बताती थी कि प्रताप इनको प्रेम के जाल में फंसा लिया, सारा जायदाद भी अपने नाम कर लिया, और इनके पिताजी का कत्ल भी कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो उम्रती? साहब, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मेम साहब तो कितनी बार बताया करती थी, और मैंने अपनी आंखों से कितनी बार प्रताप को मेम साहब को मारते देखा है। साहब, मैं जाती हूँ, शायद प्रताप आ गया, अगर वो मुझे यहाँ देख लेगा वो मुझे जान से मार देगा। सर, क्या हुआ तावड़े, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? बस सर, रिपोर्ट आती होगी। सर, बाकी जगह भी फोन कर दिया गया है। पुलिस? पुलिस ये क्या कर रही है? तुम कौन? अरे मैं प्रताप, इस घर का मालिक। ओ, तो आप हैं मिस्टर प्रताप? हाँ, तो प्रताप साहब, हमें किसी का फोन आया था कि यहां किसी का खून हुआ है। खून? किसका खून? आपकी बीवी का। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरी बीवी है, इसका कत्ल किसने किया? वही तो पता करने आए हम लोग। सबसे पहले ये बताओ, तुम कहां थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने होटल में था, जहां रोज रहता हूं। और होटल से रोज इसी तरह से पी के आते हो? तो
गया इंस्पेक्टर साहब, दारू पीना जुर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि दारू पीना जुर्म है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी का खून हो जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। इंस्पेक्टर साहब आप यकीन मानिए, क्या मुझे पता होता कि मेरी बीवी का कत्ल हो गया है तो क्या मैं होटल में बैठा रहता? चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी का कत्ल हुआ है, लेकिन तुम्हें यह तो पता होगा कि तुम्हारे तुम्हारी बीवी के साथ संबंध कैसे थे। कैसे थे? जैसे औरों को होता है। मुझे सिर्फ तुम इतना बता दो कि यह पूरी जायदाद तुम्हारी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने अपनी इच्छा से ये सारी जायदाद मेरे नाम की थी, और कहीं आपको यह शक तो नहीं कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है? मैं ऐसा कह रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, कंचन मुझे बेपनाह प्यार करती थी, और मैं आज तो सुबह से अपने होटल में था। क्या सच है क्या झूठ है वो हम खुद पता लगा लेंगे। हेलो सर, हेलो, ठीक है। हाँ तो मिस्टर प्रताप, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, और पता है जिस मर्डर वीपन से आपकी पत्नी का खून हुआ है वो 0.9 mm की पिस्टल थी, और उस पे जो उंगलियों के निशान हैं वो भी आपके हैं, और साथ ही साथ घर के जितनी भी जगह जितने भी फिंगरप्रिंट मिले हैं वो सब भी आपके फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। क्या बकवास करते हो इंस्पेक्टर, इस घर में मैं रहता हूं और इस घर में उंगलियों के निशान मेरे नहीं मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? चलो मान लिया तुम्हारी बात कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन जो रिवाल्वर है उस पर जो उंगलियों के निशान है वो तुम्हारे नहीं तो और किसके हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई रिवाल्वर नहीं है, लगता है कि उस रिवाल्वर पे मेरे फिंगरप्रिंट किसने प्लांट किए हैं। लेकिन किसने और क्यों? तावड़े, तुम एक काम करो, सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके ओके, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर शक करना छोड़ दो, क्योंकि मैं आज सुबह से अभी तक अपने होटल में था। आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे मैनेजर को बुला के पूछ लो आप। ठीक है, अगर तुम्हारे मैनेजर ने यह बोल दिया कि तुम वहां पे थे तो बेनिफिट ऑफ डाउट तुम पे जा सकता है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि तुम वहां पे नहीं थे तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं आज सुबह से शाम तक वहीं था। सर, मैं अभी इनके मैनेजर के लिए आता हूं। सर, मैनेजर सवाल है। तुम्ही हो मैनेजर? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मोहन। इसका मतलब तुम क्या इनके होटल में मैनेजर हो? जी सर। तुम्हारा मालिक तुमसे जो बोलेगा वो तुम कर सकते हो? सर, मैं कुछ समझा नहीं। मोहन, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा ये मालिक प्रताप
आज सुबह से रात के 12 बजे तक होटल गया था कि नहीं? सर, ऐसे तो प्रताप सर का नियम है, सुबह आते हैं और शाम में जाते हैं, पर आज प्रताप सर होटल आए ही नहीं। हरामजादे, अबे साले, तू झूठ क्यों बोल रहा है? मिस्टर प्रताप, मोहन को फिनिश करने दो। सर, मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ सर, आज प्रताप सर दिन भर होटल में आए ही नहीं। कमीने, हरामी, सर झूठ क्यों बोल रहा है? हवलदार, अरेस्ट हिम, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर प्रताप, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो मिटा न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, वो पेश आएगा। किस्मत बिना कोई किसी को पा नहीं सके, और प्यार को सीने से भी लगा नहीं सके। तकदीर तुझ पे हंसेगी तू रो न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। आनंद, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे बलवंत कहते हैं, बलवंत राय। मैं उस बदनसीब औरत का अंकल हूँ जिसका कत्ल तुम्हारे हाथ में हुआ। कत्ल? नहीं बलवंत सर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। आपको शायद गलतफहमी हो रही है। बरखुरदार, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कंचन ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया था कि कंचन इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसने तुम्हारे हाथों अपना कत्ल करवा के प्रताप को अपने खून के इल्जाम में फांसी पर चढ़वा दिया। यही उसकी मंशा थी आनंद। लेकिन बलवंत सर, उस रिवॉल्वर पे प्रताप की उंगलियों पर निशान कैसे आए? आनंद, ये काम कंचन के लिए बहुत आसान था। प्रताप डेली ड्रिंकर था, तो रोज शराब पीता था। एक रात जब वो शराब के नशे में था तो कंचन ने उसके फिंगरप्रिंट रिवॉल्वर पर ले लिए। लेकिन होटल का मैनेजर तो प्रताप का आदमी था, वो चाहता तो पुलिस को झूठा बयान दे सकता था कि प्रताप उस रात होटल में ही था। आनंद, तुम बहुत भूले हो, तुम शायद ये नहीं जानते कि पैसे में बहुत ताकत होती है। कंचन ने होटल के मैनेजर मोहन को अपना होटल नाम कर दिया था, इसके बदले में सिर्फ कंचन ने उससे इतना चाहा था प्रताप के खिलाफ झूठी गवाही दे। मोहन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं चाहती हूँ तुम एक होटल के मालिक बन जाओ। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। समझा?
समझाती हूँ, बैठ जाओ पहले। थैंक यू मैडम। मैंने ये फैसला किया है मोहन कि मैं पैराडाइज होटल तुम्हारे नाम कर दूं। मैडम होटल और मेरे नाम? हाँ हाँ तुम्हारे नाम। और इसके लिए तुम्हें मेरे छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैडम मैं होटल के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। अगर तुमने ये झूठ बोल दिया तो पैराडाइज होटल तुम्हारा होगा। ठीक है मैडम मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और होटल के मैनेजर ने ऐसा ही किया। यानी कि कत्ल की रात प्रताप होटल में ही था। वाह मैडम ने क्या स्कीम बनाई थी सर कि अपना ही कत्ल करवा के प्रताप को फांसी पे चढ़वा दे। जी हाँ आप सच्चाई जानने के बाद आनंद कैसा फील कर रहे हो? बलवंत सर मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। बलवंत सर काफी हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। लेकिन कुछ देर बाद तुम इस फानी दुनिया से कूच कर जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। क्योंकि तुमने आनंद देखा होगा दुनिया में बहुत से हरामजादे लोग हैं, लेकिन मुझ जैसा हरामजादा इंसान तुमने आज तक नहीं देखा। क्या मतलब है आपका? मतलब तुमको समझा दो, ये सारी चाल कंचन का मरना, तुम्हारे हाथों मरना, प्रताप का फांसी पर चढ़ जाना, ये सारी मेरी चाल थी। ये उस दिन की बात है जिस दिन कंचन ने फोन करके मुझे यहां बुलाया था। उस दिन मेरी कंचन से बातचीत हुई, कंचन खुद को मार लेना चाहती थी। मैंने ही उसको समझाया कि तुम मर जाओगे तो सारा बेनिफिट तो प्रताप को मिलेगा, वो जिंदा रहेगा, अय्याशियां करेगा। मैंने कहा कुछ ऐसा करो प्रताप फंस जाए, उसे फांसी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। अब तुम सिर्फ तुम आनंद एक गवाह हो जो मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी था और इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में जहर मिला दिया। और अब तुम प्रताप कुछ ही देर के मेहमान, कुछ ही देर के। बलवंत साहब मैं बहुत हरामी देखा लेकिन आपके जैसा हरामी नहीं देखा। आपको मालूम है बलवंत सर कि हॉस्पिटल में मेरी बीवी बीमार पड़ी हुई है। आपने मुझे यूज किया, उस मैडम ने मुझे यूज नहीं किया, आपने मुझे यूज किया बलवंत सर। अब मेरे बीवी को कौन देखेगा बलवंत सर? मेरे बीवी को कौन देखेगा? सबसे पहले मेरी एक बात कान खोल के सुनते रहना। कंचन रही नहीं, वो दुनिया को छोड़ गई। प्रताप को मैंने झूठे जाल के में फंसा कर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। अब प्रताप की दौलत का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अंकल आप जानते हैं कि मैंने कंचन का कत्ल नहीं किया। अंकल अंकल मुझे बचा लीजिए, जब मैं घर में गया तो कंचन का कत्ल हो चुका था। अंकल मैं तो अरे मैं तो अपने होटल में था। प्रताप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी बता सकता है और वो हूं मैं बलवंत राय, क्योंकि मैं जानता हूं तूने कंचन का कत्ल नहीं किया। मैं तुझे बता सकता हूं। हाँ अंकल मैंने कत्ल नहीं किया अंकल। मैं जानता हूं और मैं तुझे बचा सकता हूं। मुझे पूरा विश्वास है अंकल आप मुझे बचा लेंगे। अंकल प्लीज अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ना चाहता हूं। अंकल मैं तुम्हें बचा सकता हूं प्रताप, बस तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा। वो क्या है? ये कागजात हैं
इन पर तो मैं साइन कर लेता हूं। किस चीज से कागजात हैं अंकल? ये वो कागजात हैं जो तुमने कंचन से हासिल किए थे। मेरा मतलब है कंचन की जायदाद को धोखे से हासिल कर लिया था। मैं इन्हीं कागजात पे साइन चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ तुम ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अंकल मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। अंकल बर्बाद तो प्रताप तू वैसे ही है। अगर तुम फांसी पर चढ़ गए तो ये जायदाद किस काम की? क्या वैल्यू इस जायदाद की? सोच लो, तुम्हें जायदाद पसंद है या अपनी जिंदगी? दे इस जायदाद के पेपर पर साइन कर दे, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुझे बचा लूंगा। देखो कोर्ट में इमरती भी अपना बयान बदल देगी, होटल का मैनेजर मोहन वो भी अपना बयान बदल देगा और मैं भी तुम्हारे पक्ष में ही गवाही दूंगा। और यकीन मानो बेनिफिट ऑफ डाउट तुमको मिलेगा, उसके सहारे तुम कोर्ट से बड़ी इज्जत वाली हो जाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है लाइए पेन। ये लीजिए। इस चार को कोई नहीं जानता था, कोई गवाह नहीं था मेरे खिलाफ, लेकिन तुम गवाह थे। ये गवाह भी मेरे रास्ते से हट गया। तूने जायदाद के खातिर कंचन को मरवा दिया, तूने प्रताप को फांसी पे चढ़ा दिया, तेरे जैसा हरामी मैंने कभी नहीं देखा। भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। तू एक नासूर है, तू एक नासूर है। Oh!